वेलकम बैक दोस्तों। क्वालकॉम ने परसों अपना एक नया चिपसेट लॉन्च किया, प्रीमियम मिडरेंज कैटेगरी वाला, विच इज स्नैपड्रैगन 780G। और 700 सीरीज में आपको पहली बार 5nm की टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। इट्स अ बेसिकली लाइटर वर्जन ऑफ स्नैपड्रैगन 888 पावर हाउस, और जो एक्सनस 1080 आया था, डायमेंसिटी 1200 आया था, उसी के सिमिलर वाला ये प्रोसेसर है। बाकी अगर हम लोग बात करें कौन सा चिपसेट आने वाला था, तो स्नैपड्रैगन 775G आने वाला था पहले, लेकिन स्नैपड्रैगन 780G आ गया। एनीवे, ये आता है अपने कोर्टेक्स A78 वाले लेटेस्ट कोर के साथ में। 40% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको इस चिपसेट के साथ में मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कंपेरिजन वीडियो में इसे कंपेयर किया था स्नैपड्रैगन 860 के साथ में और स्नैपड्रैगन 768G के साथ में, जहाँ पे विनर रहा था स्नैपड्रैगन 780G। वैसे स्नैपड्रैगन 780G के कोर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के इंटरनेट पर मिला जुला इन्फॉर्मेशन डाला गया है। टेक विलेज वाले यस भाई से भी मैंने कंफर्म किया था इसके कोर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 780G है इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है या फिर देखने वाले हो, तो वहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स पे पिन करके रख दिया है जो भी वीडियो के अंदर एरर था। सो YouTube पे काफ़ी व्यूवर्स की क्वेरी थी कि स्नैपड्रैगन 780G को स्नैपड्रैगन 870 के साथ में कंपेयर किया जाए, तो चलिए कंपेयर करते हैं इन दोनों ही चिपसेट को, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 आपको मिलने वाला है पोको F3 के अंदर, तो शायद ये कंपेरिजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते, यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर, चलिए जानते कुछ बढ़िया। सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात करते दोस्तों, दोनों ही चिपसेट 64-bit आर्किटेक्चर पे बने हुए। फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते दोस्तों, आपको स्नैपड्रैगन 780G 5nm प्रोसेस पे बना हुआ मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 आपको 7nm प्रोसेस पे बना हुआ मिल जाता है। आपको दोनों में बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी स्नैपड्रैगन 780G के साथ में ड्यू टू 5nm प्रोसेस, क्योंकि जितना छोटा सेमीकंडक्टर साइज उतना लोअर पावर कंजप्शन एंड हीटिंग इशू। सीपीयू की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 780G में आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है कॉर्टेक्स A78 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। बीच में आपको 3 बिट परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स A78 वाले, जब आपको फ्रीक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.9 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको पहला हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है कॉर्टेक्स A77 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। बीच में आपको 3 बिट परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स A77 वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स A55 के, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। इस डिपार्टमेंट में दोनों ही चिपसेट अपने ट्रैक क्लस्टर डिजाइन को फॉलो करते हैं। दोनों में 1+3+4 वाला कोर डिस्ट्रीब्यूशन है। बी रिमेम्बर, स्नैपड्रैगन 780G अपने क्रायो 670 बेस्ड कॉर्टेक्स A78 कोर को यूज कर रहा है परफॉर्मेंस मिड परफॉर्मेंस दोनों के लिए। इवन एफिशिएंसी कोर की फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 अपने क्रायो 580i बेस्ड कॉर्टेक्स A77 कोर को यूज कर रहा है प्राइम एंड मिड कोर के लिए। सो यहाँ पे अगर आप बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस पूछोगे मुझसे, तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा स्नैपड्रैगन 780 जी आपको हल्का सा बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देगा स्नैपड्रैगन 870 के कंपेयर में। जीपीयू की बात करते हैं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 780G में आपको एड्रेनो 642 मिलता है और स्नैपड्रैगन 870 में एड्रेनो 650 प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्राफिक्स और गेमिंग में आपको हल्का सा बेहतर मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 870, क्योंकि ये अपने एक जनरेशन आगे वाले जीपीयू के साथ में आता है। हालांकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्नैपड्रैगन 780G का जीपीयू तो 5nm प्रोसेस पे बना है और स्नैपड्रैगन 870 का जीपीयू तो 7nm प्रोसेस पे बना है, तो ऐसे टाइम पर सेंचुरियन मार्क काम आता है। एक्चुअली एड्रेनो 642 का सेंचुरियन मार्क 118 पॉइंट है, जबकि एड्रेनो 650 का सेंचुरियन पॉइंट 122 पॉइंट्स है। सो ऑब्वियसली बेहतर जीपीयू स्नैपड्रैगन 870 के साथ में मिल जाएगा। रैम सपोर्ट की बात करते दोस्तों, स्नैपड्रैगन 780G के अंदर LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, साथ में फ्रीक्वेंसी मिलती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ की, 16GB की मेमोरी डेंसिटी मिल जाती है, EMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 के साथ में UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है, साथ में फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 2750 मेगाहर्ट्ज़ की, साथ में LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट मिलता है, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ की, 16GB की मेमोरी डेंसिटी है, EMMC 5.1, UFS 2.1 एंड UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। रैम और स्टोरेज में भी आपको स्नैपड्रैगन 870 बेहतर मिलने वाला है अपने LPDDR5 रैम सपोर्ट के कारण। बाकी की चीजें तो दोनों में सेम है, सच एज मेमोरी डेंसिटी एंड स्टोरेज सपोर्ट। कैमरा सपोर्ट की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 780G में आपको स्पेक्ट्रा 570 ट्रिपल ISP मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट अप टू 192MP तक का मिल जाता है और 84MP सिंगल कैमरा का सपोर्ट 30fps DSLR के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आपको 64x20MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट 30fps जीरो शटर लैग के साथ में मिल जाता है और 25x25x25MP के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट 30fps DSLR के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 870 के
की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा 480 वाला ISP मिलता है, जहाँ पे आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट अप टू 200 MP तक का मिल जाता है, और 64 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन और ZSL के साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे 25+25 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इस डिपार्टमेंट में स्नैपड्रैगन 780G ने स्नैपड्रैगन 870 को एकदम जकड़ के रखा है, क्योंकि पहले तो इसमें स्पेक्ट्रा 570 SSP यूज हुआ है, जिसके कारण डुअल कैमरा का सपोर्ट आपको बेहतर दिया जा रहा है, और एडिशनली 25 MP के ट्रिपल कैमरा का भी सपोर्ट है। सिंगल कैमरास में भी 30 FPS पर स्नैपड्रैगन 780G अपने 84 MP कैमरास के साथ में बेहतर मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 780G में आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन का सपोर्ट 144Hz पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 में 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट 60Hz पे मिलता है और QHD+ रेजोल्यूशन का सपोर्ट 144Hz पे मिल जाता है। पिछली कंपैरिजन वीडियोस में स्नैपड्रैगन 768G और स्नैपड्रैगन 780G दोनों ही फुल HD+ रेजोल्यूशन पे हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रहे थे, जहां पे स्नैपड्रैगन 780G बेहतर निकल के आया था अपने 144Hz डिस्प्ले के कारण। लेकिन यहां पे मामला थोड़ा सा अलग है। स्नैपड्रैगन 870 आपको डिस्प्ले में बेहतर मिलेगा, क्योंकि यहां पर QHD+ रेजोल्यूशन के साथ में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला कॉम्बिनेशन है, जो कि स्नैपड्रैगन 780G में नहीं है। साथ ही 4K रेजोल्यूशन वाला भी सपोर्ट है, जो यूजुअली यूज नहीं होगा। वीडियो सपोर्ट की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 780G के अंदर 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है 30 FPS पे, फुल HD+ 1080 pixels वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है 120 FPS पे, और 720p HD+ वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है 480 FPS पे। स्नैपड्रैगन 870 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको 4320 pixels 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है, 2160 pixels 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 120 FPS पे मिलता है, 1080 pixels फुल HD+ रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है, साथ ही 720p HD+ रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 480 FPS पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहतर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको देगा स्नैपड्रैगन 870, क्योंकि इसमें आपको 8K वीडियोस तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही 4K वीडियोस को भी आप हायर FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और स्नैपड्रैगन 780G में फुल HD+ वीडियोस को हायर FPS पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 ही आपको बेहतर मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 870 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन X55 5G मॉडेम, जहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड 7.5 GPS की मिलती है और अपलोड स्पीड 3 GPS की मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 780G में आपको X53 5G मॉडेम मिल रहा है, जहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड 3.3 GPS की मिल रही है और अपलोड स्पीड 1.2 GPS की मिल जा रही है। कनेक्टिविटी में स्नैपड्रैगन 870 अपने बेहतर X55 5G मॉडेम के साथ में आता है, और इसकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 780G। एंटीटू बेंचमार्क की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 780G का स्कोर अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन स्नैपड्रैगन 870 ने स्कोर किया है 679,860। गीगबेंच स्कोर की बात करें, स्नैपड्रैगन 780G का स्कोर अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 870 ने सिंगल कोर पे स्कोर किया था 1034, जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर रहा था 3513। देखो, कंक्लूजन पे फाइनल विनर बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। एफिशिएंसी आपको ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 780G के अंदर बेहतर मिलेगी ड्यू टू 5 नैनोमीटर प्रोसेस, नो डाउट। कैमरा का सपोर्ट भी आपको स्नैपड्रैगन 780G के अंदर ही बेटर मिलेगा ड्यू टू स्पेक्ट्रा 570 ट्रिपल ISP, जहां पे आपको ट्रिपल कैमरास तक का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन CPU के परफॉर्मेंस में कुल मिला के आखिरी में दोनों ही चिपसेट आपको सेम परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। स्नैपड्रैगन 780G अपने 4 Cortex A78 कोर को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करेगा, जबकि स्नैपड्रैगन 870 अपने 4 Cortex A77 कोर को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करेगा अपनी बेहतर CPU फ्रिक्वेंसी के साथ में। आई मैंने क्या बोला, बेहतर CPU फ्रिक्वेंसी के साथ में, आई मीन 3.2 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी के साथ में ये आता है। मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस में पॉसिबिलिटी तो यही है कि दोनों ही चिपसेट आपको सेम CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। बाकी डिस्प्ले, वीडियो एंड रैम सपोर्ट, GPU कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों में स्नैपड्रैगन 870 का जलवा कायम रहने वाला है। इस कंपेरिजन का जो फाइनल विनर है वो भी होता है स्नैपड्रैगन 870। आप अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको क्या लगता है स्नैपड्रैगन 870 बेहतर होगा या फिर स्नैपड्रैगन 768 क्या बोल रहा हूँ स्नैपड्रैगन 780G। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।